हेलो दोस्तों, एक से बढ़कर एक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है या कोई बात बुरी लग जाती है तो हमें रोना आ जाता है, ये तो स्वाभाविक है। पर क्या कभी आपके दिमाग में ये सवाल आया है कि जब हम प्याज काटते हैं तो फिर हमें रोना क्यों आ जाता है, जबकि उस वक्त तो हम भावुक भी नहीं होते हैं। तो चलिए जानते हैं, प्याज जमीन के अंदर उगता है और प्याज सल्फर का अच्छा स्रोत भी है। जब हम प्याज को काटते हैं तब प्याज में मौजूद सिंथेज एंजाइम और अमीनो एसिड सल्फॉक्साइड मुक्त हो जाते हैं और फिर आपस में मिलकर सिनप्रोपेनेथियोल एस ऑक्साइड नामक केमिकल में परिवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि ये केमिकल परिवर्तनशील होता है, ये वाष्पित होकर हवा में मिल जाता है और हमारे आँखों तक पहुँचता है। जब ये केमिकल हमारी आँखों में मौजूद तरल से मिलता है तब सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है जो कि ज्वलनशील होता है, जिससे हमारी आंखें जलने लगती हैं। हमारी आंखों की एक अच्छी खूबी ये है कि इसमें अगर कोई बाहरी तत्व आ जाता है तो यह आंसू निकालकर उसे धोने का प्रयास करती है, जो लैक्रिमल ग्लैंड की वजह से होता है। हमारी आंखों में ऊपर की ओर लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं जो कि तुरंत बहुत सारे आंसुओं को छोड़ने लगती है ताकि ये तत्व बाहर चला जाए और जलन कम हो जाए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमेशा आपको ऐसे ही एक से बढ़कर एक जानकारी मिलती रहे। बाय बाय।